हिमाचल प्रदेश उपचुनावों में बड़ी हार के बाद मंथन का जो दौर है वो लगातार शुरू है। अलग अलग स्तरों पर सरकार और संगठन में मंथन जारी है। हार के क्या कारण हो सकते हैं, कहाँ कमी जो भाजपा में और सरकार में रही है, अब इस पर हम बात करेंगे भाजपा के वरिष्ठ नेता, हम कह सकते हैं कि हिमाचल प्रदेश में भाजपा के संस्थापक में से एक महेश्वर सिंह से। महेश्वर सिंह जी, बड़ी हार चुनावों में रही है, क्या लगता है कहाँ ढील संगठन से और सरकार से रही होगी? देखिए, कहीं ना कहीं चूक हुई है, इतना मैं कहता हूँ। और जहाँ तक मेरा संबंध है तो मेरा तो ये स्पष्ट है कि पार्टी को पूरा अधिकार है कि वो सब बातें सोचकर विचार कर कैंडिडेट का चयन करें। और संभवतः मुझे टिकट इसलिए नहीं दिया गया क्योंकि शायद मेरे में कुछ कमी रही होगी। और जो इन्होंने कैंडिडेट दिया वो उसकी पूर्ति करने वाला होगा इनके विचार में, इसलिए ऐसा हुआ। तो इसलिए पार्टी के निर्णय स्वीकार करते हुए हमने तो भरपूर जोर लगाया। महेश्वर सिंह जी, कुल्लू में खासा आपका दबदबा है, वैसे तो हिमाचल प्रदेश में कद्दावर नेताओं में आप शामिल है, लेकिन आपका गृह जिला है, वहाँ से जो है तो भाजपा को एक बड़ा सेटबैक लगा है। तरह तरह की बातें आ रही हैं, कुछ लोग कह रहे हैं महेश्वर सिंह ने पॉजिटिव काम नहीं किया, कई अलग अलग नेताओं के नाम आ रहे हैं, क्या कहेंगे इस पूरे विषय पर? देखिए, मैं सिर्फ इतना कहूँगा, मेरे जीवन में स्पष्टवादिता है, जो कहूँगा स्पष्ट कहूँगा। और मैं वो व्यक्ति हूँ, जब भाजपा में मुझे न्याय नहीं मिला था तो मैंने अपना डेरा बनाया लेकिन किसी के घर में नहीं घुसा। और जब नेताओं ने पार्टी में आग्रह किया कि अपने परिवार में लौट आओ तो मैं लौट आया। जिस प्रकार से मेरे जो गुरु थे चौहान साहब कहते थे, महेश्वर सिंह जी राजनीति में स्पष्ट रहोगे, सच बोलोगे तो क्षण कहानी होगी, अंततोगत हुआ लाभ होता है, उसका अनुसरण करता हूँ मैं। और इस वक्त मेरे मन में कोई मलाल नहीं। जो ये कहता है कि महेश्वर सिंह ने एंटी किया, तो क्या मैंने सारी कंस्टिट्यूंसी में एंटी कर दिया जाके? ये मंत्रियों के यहाँ हार हुई तो मंत्री ज़्यादा पावरफुल है कि या महेश्वर सिंह जो निहत्था है वो ज़्यादा पावरफुल है? वो उनसे पूछिए कौन कारण है। कुल्लू में हार हुई तो कुल्लू की सारी ठेकेदारी मेरे पास नहीं थी, लेकिन जहाँ की थी वहाँ एक दो कारण रहे। एक तो नोटा, और गलत समय पर जो वहाँ पर एक संगठन है, जिस दिन हम कैंपेन कर रहे थे शाट में, मुख्यमंत्री जी भी थे, उसी दिन वहाँ पर कैंपेन चल रही थी और स्वर्ण आयोग के लोगों ने मुख्यमंत्री जी से समय लिया। और वो दलित बाहुल्य का क्षेत्र है हाथीथान, और वहाँ पर उन्होंने कहा हमको आप समय दीजिए। मैंने मुख्यमंत्री जी से निवेदन किया था कि नाजुक समय है, इस वक्त ये लोग क्या कहेंगे, क्या चाहेंगे आपसे, थोड़ा बचिए। कहते नहीं, अपने लोग हैं। और उन्होंने वहाँ नारे लगाए, हिंदू हित की बात करेगा वो ही देश में राज करेगा, और वॉकी टॉकी पकड़ के मुख्यमंत्री जी के आगे माइक कर दिया। और वो जो नोटा की बढ़ोतरी है वो वहाँ पर 900 है, 2800 वहाँ कांग्रेस की लीड है, और नोटा लगाने वाले 900 आदमी हैं, आप कल्पना करिए। और फिर लाख कहकर घर से हमारे जो बीजेपी के वोट थे, दो दो तीन तीन आए और वोटिंग डाउन रही, इसलिए हुआ है, जहाँ तक कुल्लू क्षेत्र की बात है। और मैंने अगर गलती की है तो मैं बेशक कुछ भी हो मैं उसको स्वीकार करने वाला हूँ, मैंने कुछ नहीं किया। मैंने तो जिस दिन कैंडिडेट का निर्णय हुआ, किस प्रकार का निर्णय हुआ वो भी एक हास्यास्पद प्रोसेस थी कि आ जाओ कैंडिडेट की घोषणा बाद में होगी, फूल है कैंडिडेट। मैंने कहा कि हम अब 500-500 आदमी लाएंगे तो कैसे आएंगे,
कहीं फिर यहाँ ट्रायल ऑफ स्ट्रेंथ ना हो उस वक्त घोषणा करनी, ये नहीं है, प्रोसीजर है कि आप अनाउंस करिए, अनाउंस एनीबॉडी आई विल ज्वाइन। और मैंने सबसे पहले बूके दिया और यही बात कही थी मंच पर कि मैं तो यहाँ आया हूँ और शायद मुझ में कोई कमी रही होगी, भगवान करे अपने जो अपने एक सर्विस में आए हैं ये उसकी पूर्ति करें जिस उद्देश्य से उनको टिकट दिया, मैं पार्टी के साथ हूँ और अभी भी यही कहता हूँ। महेश्वर सिंह जी, आगे कैसे देखते हैं आप संगठन और सरकार? बदलाव की चीज़ें चली हैं, बहुत सी चर्चाएं चली हैं, संगठन का लंबा अनुभव आपके पास है, क्या लगता है क्या कुछ अब हो सकता है ताकि 2022 के चुनावों की जो तैयारी है भाजपा की वो बेहतर हो सके, क्या कुछ संभावनाएं लग रही हैं? नहीं, वो तो फिर समीक्षा में बैठना होगा कौन कौन से कारण रहे, बल्कि यहाँ तक जो महंगाई की बात करते हैं, इतना लोग जानते हैं ना कि महंगाई इस चुनाव के नतीजों से कोई पर उसका असर नहीं पड़ता, क्योंकि सरकार ना तो केंद्र की इफेक्ट होती है ना यहाँ की इफेक्ट होगी। बल्कि मैंने अपने भाषण में कहा कि अगर प्रतिभाजी के जीतने से महंगाई कम हो जाएगी तो मैं भी उनके सामने मोर लगा दूँ, तू लिख के दे, एक मेंबर जाके थोड़ी महंगाई खत्म करेगा या चार मेंबर जाके थोड़ी करेंगे, ये तो जब जनरल इलेक्शन आते हैं तब का इशू है, अभी का इशू तो विकास है, विकास किया हुआ है, वह प्रश्न यहाँ पैदा होता है विकास करने के बावजूद फिर क्यों हारू, कहीं ना कहीं तो चूक होगी। बड़ा सवाल महेश्वर सिंह का, विकास करने के बावजूद क्यों हार हुई? और अपने बारे में इन्होंने स्पष्ट कह दिया है कि स्पष्टवादिता इनकी राजनीति में है, जो करेंगे खुलकर करेंगे। कैमरा मैन लकी के साथ राजेंद्र शर्मा, ITV भारत, शिमला।